हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीत कृष्ण क्रिएशन में। देखिए, आज हम ठाकुर जी के लिए जंपसूट बनाएंगे जो हमने कॉटन फैब्रिक से बनाया है। देखिए देखिए, इस प्रकार से हम ठाकुर जी को इसे पहनाएंगे। शोल्डर पर नॉट लगा के इस तरह से पहनाया जाएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बनाना बहुत ही आसान है। ये जंपसूट हमने 10 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाया है और ये 10, 11, 12 इतने नंबर तक को पहना सकते हैं हम। बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहा है और अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये पोशाक हमने यहाँ पे 10 नंबर ठाकुर जी के लिए पहनाई है। बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए, बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है। चलिए, हमने इसके लिए फैब्रिक ले लिया है, कॉटन फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लंबाई है 18 इंच, 18 इंच। देखिए, इस तरह से अब हम इसके साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। देखिए, एक साइड स्टिच हो गया, दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए, दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया इसको इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक सेंटर में मार्क करेंगे। तो देखिए, हमने 8 इंच का लिया था, हमारे 1 इंच फोल्ड करने में चला गया, अब 7 इंच बचा है, तो हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखिए मार्क कर लिया है। अभी हमने पूरे में मार्क कर लिया। अब हमने एक इलास्टिक लिया, तो ये इलास्टिक हमने 8-8 इंच के लिए दोनों इस तरह से। देखिए, 8-8 इंच की इलास्टिक लिए। अब हम इसे इसमें सेंटर में स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से रखेंगे और स्टिच करेंगे। इलास्टिक को हम जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है हमें पूरी तरह से। देखिए, स्टिच हो गया यहाँ पे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से स्टिच हो गया। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, फोल्ड हो गया यहाँ से और हमें डबल फोल्ड करना है यहाँ पे। प्रकार से यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ कट लगा लिया ये। यहाँ से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे हम आर्म होल कट करेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे हम इसे, इसमें मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हम चौड़ाई में लगभग गहराई में हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ 1 इंच चौड़ा इस तरह से मार्क करके गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे स्टिच करेंगे, तो पहले साइड में जो सिलाई लगानी है वो लगा लेते हैं। यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम पहले यहाँ पे इलास्टिक लगा लेते हैं। तो भैया, हमने 8 इंच की इलास्टिक दी, इसमें 2 पीस कर लेंगे। 4 इंच की इस साइड लगाएंगे, 4 इंच की उस साइड लगाएंगे, दोनों साइड इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ हम इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा रहेगी तो उसे हम कट कर देंगे। उस तरह से हम खींचेंगे, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, स्टिच हो गई। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है हमारी, लगभग 3.5 इंच इलास्टिक लगी है इसमें। अब सेम इस तरह से हम बैक साइड में भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच कर लिया है। इस तरह से अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसे कट कर देंगे। लगभग इसमें 3.5 इंच ही इलास्टिक लगी है, इसे हम कट कर देंगे दोनों साइड से। इस प्रकार से देखिए, हमने कट कर लिया है। अब हम इसको आर्म होल स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने और एक पट्टी ली है और पट्टी को हम उल्टी साइड से रखेंगे। इस प्रकार से उल्टी साइड से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और फोल्ड करके हम सीधे की साइड से लेंगे। तो पहले हम स्टिच करेंगे उल्टी साइड रख के। देखिए, इस तरह से हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड, ये स्टिच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से कट कर लेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। देखिए, इस प्रकार फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच कर लिया है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये स्टिच कर दिया हमने। देखिए, रेडी हो गया। अब हम सेम इस तरह से हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। किस प्रकार से आया, अब सेम हम इस तरह से दूसरी साइड स्टिच करेंगे। तो ये दोनों साइड स्टिच हो गया है। अब हम नीचे के साइड में पैंट है जो, इसी में हमारा पैंट ज्वाइन रहेगा। तो हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें कट लगाएंगे सेंटर में। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं, हल्का सा कट लगा लेते हैं और यहाँ मार्किंग करके इसको भी स्टिच करना है। चलिए, यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए,
दोनों साइड हम 3.5 इंच पे लगा रहे हैं। ये इस साइड भी लगा लेते हैं हम, इसको बी शेप में स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से पहले हम मार्क कर लेते हैं, सिलने में आसानी रहेगी। देखिए हम मार्क कर लिए हमने, और सेंटर में लगभग हमारा 1 इंच चाहिए इसकी जो भी है। डबल सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लिया है। इसे हम कट कर लेते हैं सेंटर से, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक से कट कर लेते हैं और हल्के से कट लगा देंगे इस तरह से। देखिए कट लगा लिया हमने, अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सीधा कर लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट से जम सूट बन के रेडी हुआ है। चलिए अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे बांधने के लिए। तो स्ट्रिप लगाने के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है, लगभग 1.5 इंच चौड़ा ये फैब्रिक है। इसको स्टिच कर लेंगे, इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। देखिए इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेते हैं। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसको 4 पीस में कट करेंगे और दोनों साइड इस तरह से स्टिच कर देंगे रखते हुए। देखिए यहाँ स्टिच हो गया, ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनी है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा धागे से कट कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।